as an Indian. That we are standing here regardless. We are standing here fearless. And we are standing here ready. Hats off हमारी police force को salute करूँगा मैं. I think ये issue resolve होना उनके बिना नहीं होता. Sorry, I don't know. Left out the names. Honorable Governor of Maharashtra. As a celebrity, आप क्या expect करते हैं, क्या चाहते हैं कि देश में जिस तरह के major घटनाएं अब ना हो और कितनी security बढ़नी चाहिए, कोई request करना चाहिए? बिल्कुल security बढ़नी चाहिए, बिल्कुल strict रहनी चाहिए. लेकिन peace कंट्री से पीस लाने के लिए आई थिंक लोगों को गवर्नमेंट को भी आई थिंक इनिशिएटिव्स लेने चाहिए just for more peaceful living all around the world. Thank you for having us again this year. But again, I'm here again only for the 26/11 incident that happened 5 years ago in 2008. We will continue and we will keep love and prayers in this. Thank you very much to all the friends, families and loved ones. My heart's going out to them. It's melting. May all of them rest in peace. प्रत्येक बॉलीवुड सेलिब्रिटी मुंबई में नहीं कहीं पर भी कुछ भी होता है देश में तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हमेशा हर टाइम में हिस्सा लेते हैं. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मैसेज है. बिल्कुल जैसे मैंने कहा अगर कोई भी पब्लिक फिगर को सुधार लाने का मौका अगर उन्हें मिलता है तो उन्हें लेना चाहिए. जैसे मुझे कहीं कहीं मिले हैं और मैंने लिए हैं तो इफ मेरे एफर्ट से कुछ डिफरेंस आए हमारी सिटी में और सिक्योरिटी में आई I'm very happy with that. Thank you. Thank you. Geelong Timber Choir. I also want to thank a very special person in the audience, my wife Sheila Kapilani, without whom this event would not have been possible. Sheila, thank you very much. I request you to please come up. Please come. I request the parents of Major Unni Krishnan. Parents, please come along. Please come. Stop. एक मिनट 11 कोई भुला नहीं पा रहा है तो मैं कहता हूं कि अच्छी बात है, हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जो सैक्रिफाइस, जो कुर्बानियां हमारे वीरों ने, मुंबईकरों ने, भारतवासियों ने जो सैक्रिफाइसेस दी उसका एक चिन्ह है, उसका एक सिंबल है 26/11 एंड वी शैल नेवर फॉरगेट. दैट इज़ अ कमिटमेंट. आज जो हमने फंक्शन यहाँ किया और मैंने जो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की एम्बेसडरशिप आज एक्सेप्ट की वो इसी गोल को, इसी एम को मन में रखते हुए की है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है जिसे हम एक ज़माने में ईस्ट और वेस्ट का एक सेतु, एक ब्रिज मानते थे. इट जॉइंड द ईस्ट और वेस्ट. एक ज़माने में गेटवे ऑफ इंडिया वाज अ गेटवे टू कल्चर, नॉलेज, एंड हज़ारों साल से एक ऐसा देश हिंदुस्तान जो हारमनी में, एकता में पूरे दुनिया को दर्शा रहा है। हाउ वी लिव यूनाइटेड टुगेदर, एकता का मतलब जो है वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया है। पीस का मतलब जो है वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया है। तो मेरी यही इच्छा है कि इसी गेटवे ऑफ इंडिया से हम इसे एक गेटवे ऑफ पीस माने और जो पीस का मैसेज है वो यहाँ से जाए। अक्सर दुनिया में लोग समझते हैं कि पीस, अमन, चैन, शांति की जब बातें करते हैं लोग तो वो लोग डरपोक हैं, डरते हैं, इसीलिए चैन और शांति की बात करते हैं। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा एक ऐसा आदमी है जिसने अमन से, चैन से पूरे देश को आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस से और पीस को प्रमोट करते हुए उन्होंने पूरे विश्व को एक नया तरीका दिखाया। मदर टेरेसा इसी भूमि से हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में प्यार करना सिखाया। तो आई थिंक कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ में, पूरी करेज के साथ में इसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ मुंबई, ट्रू करेज। देखा जाए तो पूरे शहर और पूरे देश भर में आज श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हुए और सभी जगह जो लोग देश के नाम शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि जी। लेकिन इस कार्यक्रम में एक भी फोटोग्राफ नहीं दिखी। और श्रद्धांजलि के नाम पे आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि फोटोग्राफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जैसे मेजर उन्नी कृष्णन के जो माँ बाप आज यहाँ आए और जिस तरह से उन्होंने अपने हृदय से बात की। एक सच्चा भारत का सपूत, एक आर्मी ऑफिसर, एक मैन इन यूनिफॉर्म जिसने अपनी अल्टीमेट कुर्बानी जिसे कहते हैं, जो जान की कुर्बानी दी है। और आज उनके माँ बाप यहाँ पर आकर स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि हम संदीप को पूरे गर्व से ऐसे मौक़ों पर याद करते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस लोगों को याद दिलाने के लिए, अपने दिल में, अपने हृदय में जो इज्जत है उस इज्जत को प्रदर्शित करने के लिए ये फंक्शंस रखे गए हैं। और जब उन्होंने मंच पर आकर ये कहा कि ठीक है 5 साल हो गए हैं संदीप को गुजर के, लेकिन हम उसे मौन नहीं करेंगे, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल बात कही है उन्होंने। लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े-बड़े बैकड्रॉप पे इतने बड़े-बड़े पुलिस और सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे जो पिछले 5 साल में कोई भी ऐसी मेजर? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि आम जिंदगी में और खासकर हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में एक ट्रेंड रहा है कि हमेशा पुलिस लास्ट आती है। जब सारा समस्या, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है उसके बाद पुलिस आती है, ऐसा दिखाया और दर्शाया हमने। लेकिन 5 साल में जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने, जिस तरह से मुंबई के हर सिपाही ने हमें सिक्योरिटी दी है, हमें सिक्योर फील करवाया, हमें सुरक्षित फील करवाया, आपको, हमको, हमारी बहनों को सुरक्षित फील करवाया है, वो काबिले तारीफ है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ये जो एक सुरक्षा का माहौल है, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं जब क्राइम होता है तो हम भूल जाते हैं कि क्राइम करने वाला भी एक सिटीजन ही है, एक मुंबई में रहने वाला मुंबईकर ही है जो क्राइम करता है। जब रेप होता है, हमें गुस्सा आता है, तो वो कहीं बाहर से, मतलब कहीं आसमान से टपक के नहीं आया, वो हम में से ही एक है, वो एक मुंबईकर ही है। तो कहीं ना कहीं एज सिटीजन्स हमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है और कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कॉन्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब हम जागृति फैला पाएंगे। ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि हम कुछ चीज़ों के मायने भूल जाते हैं। ऐसे दिनों पर उन मायनों को फिर से याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्राइम को लेकर कि किस तरीके से बॉलीवुड और पुलिस मिलकर क्राइम को रोक सके, तो आपको लगता है कि सफल होंगे पुलिस और बॉलीवुड मिलकर इस चीज को खत्म करने? मुझे इस बात पे गर्व है, बॉलीवुड की इस बात पे गर्व है कि हम एज ए फ्रेटर्निटी, एज आर्टिस्ट, चाहे एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, कोरियोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब मिलकर हमने हमेशा हर अच्छे कार्य के लिए एक कदम आगे रखा है। और इस बात का काफ़ी गर्व महसूस होता है कि एज ए कम्युनिटी वी डू अ लॉट। शायद ही पूरे विश्व में कोई ऐसी फिल्म कम्युनिटी है, ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो इतना हर कार्य के लिए आगे बढ़ती है, एक कदम आगे रखती है और कहती है कि येस वी विल डू इट, निःशुल्क, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा के भाव से। तो उस बात का बहुत गर्व है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे कम्युनिटी से, हमारी फ्रेटर्निटी से कोई भी सेवा हो पाए तो बहुत अच्छी है। और ख़ासकर मैं आज ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी एक थैंकलेस सा जॉब बन गया है। लोग उंगलियाँ पॉइंट करते हैं लेकिन कभी शुक्रगुजार नहीं होते मीडिया का। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सिपाहियों ने कुर्बानियाँ की, वैसे ही मीडिया वालों ने भी 26/11 के समय हम सब लोगों को, जैसे मैं विदेश था, कुर्बान की शूटिंग चल रही थी, सैफ, करीना, मैं, हम लोग सब बैठे हुए थे और टीवी पर देख रहे थे, और हमारे मीडिया वाले बहुत ब्रेवली, बहुत साहस के साथ पूरी की पूरी कवरेज दिखा रहे थे और इस बात के तह तक पहुंचने की कोशिश मीडिया भी कर रही थी, और वो भी पूरी कोऑपरेशन के साथ में, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हैट्स ऑफ टू द मीडिया, तब भी थे आप, आज यहाँ अब भी हैं, और आपके माध्यम से 26/11 की जो श्रद्धांजलि है वो पूरे हिंदुस्तान के हृदय तक पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।